सदर सांसद रवि किशन ने भाजपा के द्वारा चलाए जा रहे महाअभियान के क्रम में विकास तीर्थ अवलोकन के क्रम में फर्टिलाइजर खाद कारखाना का अवलोकन किया, जिसके संबंध में सदर सांसद रवि किशन ने बताया कि देश के सर्वाधिक लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 9 साल के कार्यकाल सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण को समर्पित रहा है। यह देश का स्वर्णिम काल है। मोदी के नेतृत्व में 21वीं सदी का नया भारत बुलंद भारत है, जहां पर नीति विकास के नए आयाम लिखे जा रहे हैं। जन कल्याणकारी योजनाओं से देश का चौतरफा विकास हो रहा है। गोरखपुर में फर्टिलाइजर खाद कारखाना ऐतिहासिक विकास का सबसे बड़ा उदाहरण है। किसानों को नीम कोटेड यूरिया खाद अब बहुत ही आसानी से उपलब्ध हो रहा है। उन्होंने कहा, मोदी का 9 साल किसानों को सामर्थ्यवान बनाया है। फर्टिलाइजर खाद कारखाना से खाद का रिकॉर्ड उत्पादन हो रहा है। किसानों की फसलों के उत्पादन में निरंतर वृद्धि हो रही है। देश के किसानों का सम्मान मोदी सरकार में बढ़ा है। पूर्वांचल की सबसे बड़ी जो उपलब्धि है, फर्टिलाइजर का खाद कारखाना है। इस अवसर पर राज्यसभा सांसद कृष्ण पवार, पिपराइच विधायक महेंद्र पाल सिंह, सहजनवा विधायक प्रदीप शुक्ला, जिला अध्यक्ष युधिष्ठिर सिंह, क्षेत्रीय उपाध्यक्ष विश्वजीत आसु सिंह आशु, शशिकांत सिंह, नरेंद्र सिंह, के एम मझवार, देवेश श्रीवास्तव, ओम प्रकाश शर्मा, ब्रिजेश मणि मिश्रा, वीरेंद्र नाथ पांडे, राधेश्याम रावत, श्वेता श्रीवास्तव, गौरव तिवारी, राहुल गिरी सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सदर सांसद रवि किशन ने कहा, मैं निरीक्षण नहीं किया हूं, मैं यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के 9 साल की उपलब्धि में हमारे गोरखपुर पूर्वांचल की सबसे बड़ी जो उपलब्धि थी फर्टिलाइजर, ये हमारी यशस्वी प्रधानमंत्री जी की सोच थी। कई लाख टन यहाँ यूरिया बनता है, किसानों को बहुत राहत मिली है, देश का भार कम हुआ है, इम्पोर्ट यूरिया का देश में कम हुआ है, एशिया का सबसे बड़ा टावर जो है वो प्लांट का वो यहाँ लगा है गोरखपुर में, और ये देश नहीं जानता था। चूंकि 9 साल हो गए, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी की सोच, उनकी उपलब्धियों को देश को बताना जरूरी है, विपक्षियों को बताना जरूरी है। तो हमारा संगठन यहाँ आया है इस 9 साल को मनाने के लिए कि मेरे प्रधानमंत्री जी धन्य है, ये भारत जिनको आप मिले हैं प्रधानमंत्री के रूप में, आपने ये फर्टिलाइजर दिया, यहाँ पे गरीबों का कल्याण किया, किसानों का कल्याण किया, उसके लिए हम सब आपके ऋणी हैं, आभारी हैं, धन्यवाद देते हैं। और देश को भी मैं बताना चाहता हूँ, आप लोग ये प्लांट पे ज़रूर विजिट करें, ये वन ऑफ द काइंड अमेजिंग प्लांट है जो किसी ने कभी देखा नहीं होगा, सोचा नहीं होगा। कई लाख टन यहाँ यूरिया रोज बनता है, रोजगार की बात करें तो कितना, लाखों लोगों को यहाँ पे इनडायरेक्टली डायरेक्टली रोजगार मिला है। और यूरिया यहाँ पे बहुत सस्ती हो गई, नहीं तो यूरिया के लिए पहले यहाँ गोजी डंडा चलता था, वो सारी चीजें समाप्त की है। इसका पूरा श्रेय यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी को जाता है।